बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवेंथ क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 1, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इन योर प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड टू सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नाउ इन दिस चैप्टर you will study human blood circulatory system. The highway system of a city helps to move food, water, petrol, garbage and other goods. Similarly, the transport systems help to move food, water, gases and waste throughout our body and a plant's body. यानी जैसे एक हाईवे का सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। एंड इन दिस लेक्चर यू विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एंड नाउ we will discuss about the structure of human heart. Our heart is a pumping organ. It pumps the blood in blood vessels. So what is the location of human heart? The heart is located a little to the left of the middle of your chest and is about the size of your fist. Yani heart aapki chest cavity mein present hota hai aur iska size approximately aapki fist ke equal hota hai. Before discussing about the structure of heart, you have to know about two terms, oxygen poor blood and oxygen rich blood. Heart pumps oxygen poor blood, which is also known as deoxygenated blood, to the lungs, and heart also pumps oxygen rich blood, which is also known as oxygenated blood, to the body. यानी क्या मतलब है इस बात का कि आपका जो हार्ट, आपने पहले पढ़ा कि एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप के थ्रू आपका जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो आपकी लंग्स तक लेकर जाएगा और जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी तक लेकर जाएगा। देयर आर एक्चुअली 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। चैम्बर नंबर 1 इज राइट एट्रियम, chamber number 2 is right ventricle, chamber number 3 is left atrium, and chamber number 4 is left ventricle. So these 4 chambers are present in our heart. After discussing the structure of human heart, we have to know about the working of human heart. Firstly, the deoxygenated blood enters the right atrium and then continue towards right ventricle, and from right ventricle it will move through pulmonary artery towards lungs. Similarly, oxygenated blood enters left atrium and then continue towards left ventricle, and from left ventricle it will move through aorta towards all body parts. यानी होता क्या है कि जो आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फर्स्टली राइट एट्रियम में एंटर होगा, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका जो ब्लड है आपके लंग्स तक चला जाएगा। फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा तक जाएगा, और एओर्टा तक जाने के बाद आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पंप हो जाएगा ब्लड। देयर इज आल्सो अ वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स। इस पॉइंट पर जहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ज्वाइन करता है, इस पॉइंट पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि एक गेट का काम करता है, डोर का काम करता है।
So actually these walls keep the blood in one direction and prevents the backflow of blood. Now there is extend your thinking. What do you think would happen if blood entering the heart is mixed with blood leaving the heart? यानी जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके ऑक्सीजन पुअर ब्लड में शामिल हो जाएगा तो क्या हो सकता है? सो वेल इन दिस केस ऑल वेस्ट मटेरियल्स विल मिक्स अप ब्लड एंड सेल्स ऑफ आवर बॉडी विल नॉट गेट प्रॉपर ऑक्सीजन एंड फूड. सो इन दिस केस अ पर्सन मे लीड टू डेथ. सो हाउ डज आवर हार्ट वर्क? ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप. Blood from lungs and other body parts enters the atria. The two atria contract at the same time and push the blood towards ventricles. यानी जो आपका right atrium है वहां से blood आपके right ventricle में enter होगा valve के through, और left atrium से आपका जो blood है वो left ventricle में enter होगा. So this will be one pump. It is actually one pump. So now both ventricles contract at the same time and pump the blood towards the lungs and other body parts. Second pump में क्या होगा कि जो आपके ventricles हैं वो contract करेंगे और जो blood है वो आपके lungs तक और पूरे body parts तक चला जाएगा. It will be second pump. और heart beats about 70 times a minute. सो यहाँ पर एक क्लू दिया गया है आपको लॉर्ड. लॉर्ड क्या है कि एक कीवर्ड है जिससे आप लर्न कर सकते हो, आपको लर्न करने में आसानी होगी कि हार्ट में कौन सा ब्लड कहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है. सो एल फॉर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डिलीवर्स इट टू द बॉडी टिश्यूज. आर फॉर राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स deoxygenated blood and delivers it to the lungs. So इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी. So here are some highlight points. और यहाँ पर आपकी long question number 1 का answer भी complete हो रहा है. So your long question number 1 is describe the structure of human heart. तो इसका answer यहाँ से जहाँ से आपका heart का structure start हो रहा है यहाँ से आपका answer start होगा. और ये यहाँ तक जहाँ तक एंड हो रहा है यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी एंड हो जाएगा. यहाँ पर आप हेडिंग्स भी दे सकते हो. फर्स्ट लाइन पर आप साइज की हेडिंग दे सकते हो. सेकंड जो लाइन है उस पर आप लोकेशन की हेडिंग दे सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है देर आर फोर चैम्बर्स इन अवर हार्ट, यहाँ पर आप चैम्बर्स ऑफ हार्ट की हेडिंग दोगे. और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है पूरा उस पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग भी दोगे. ठीक है. उसके अलावा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपने डायग्राम जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये मस्ट ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग. डायग्राम की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इसकी लेबलिंग भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेनी है. सो पेज नंबर 16 पर भी कुछ आपके हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट कर लीजिए. यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कम्प्लीट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ब्लड वेजल्स को डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.